नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास ट्वेल्थ या कक्षा 12 का सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट। क्लास ट्वेल्थ सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप क्लास ट्वेल्थ से संबंधित जानकारी जैसे ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन बैंक या महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित जानकारी पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन पर भी विथ उसके आंसर, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पर जाना है, नरेंद्र विश्वकर्मा सर्च करना है, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। हम यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ से संबंधित उपयोगी जानकारी सेंड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो देखते हैं क्लास ट्वेल्थ सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट। क्लास ट्वेल्थ मराठी ब्लूप्रिंट सत्र 2022-23, कक्षा 12 मराठी ब्लूप्रिंट 2022। ये आपका वर्तमान में जो 27 जून को ब्लूप्रिंट पब्लिश किया गया है उसी के आधार पर यह वीडियो है। यदि ब्लूप्रिंट में आगे चलकर किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन होता है तो उस पर हम वीडियो शीघ्र ही अपलोड करने का प्रयास करेंगे। यदि ब्लूप्रिंट से संबंधित या कक्षा 12 से संबंधित किसी भी प्रकार का ब्लूप्रिंट में कोई परिवर्तन होता है तो इसके लिए हम सबसे पहले वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए आपको हमारे इस चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करना है और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखें, सबसे पहले कॉलम में इकाई एवं विषय वस्तु है, दूसरी पर इकाई पर आवंटित अंक, तीसरी कॉलम में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चौथे कॉलम में है अंक वार प्रश्नों की संख्या, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, लास्ट में है कुल प्रश्न। तो सबसे पहले जो खंड है पद्य खंड का भतीजा अर्थ सौंदर्य बोध अड़ी विषय वस्तु, इससे कुल आपका 20 अंक का क्वेश्चन आंसर निकलना है। इसमें 1 अंक के जो ऑब्जेक्ट हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह 11 हैं, 2 अंक के प्रश्न 3 हैं और 3 अंक का प्रश्न 1 है, 4 और 5 अंक का कोई भी प्रश्न नहीं है। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 4 रहेगी। पद्य खंड अर्थग्रहण संबंधी आणि विषय वस्तु, इससे कुल 22 अंक के प्रश्नोत्तर निकलना है, जिसमें 1 अंक के जो ऑब्जेक्ट हैं वह 11 रहेंगे, 2 अंक के प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी, 3 अंक के प्रश्नों की संख्या 1 रहेगी, कुल प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी। व्याकरण में संधि समास वृद्धार्थी अर्थात अपोजिट, यह कुल आपके 22 अंक निकलेंगे, जिसमें 10 अंक के ऑब्जेक्ट, 2 अंक के 3 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 5 है। आपठित गद्यांश 4 अंक का रहेगा जो कि 1 क्वेश्चन रहेगा। पत्र लेखन आवेदन पत्र 4 अंक का रहेगा जो कि 1 प्रश्न है आपका, वो भी 4 अंक का। निबंध एवं वृत्तांत वात्मी लेखम, यह आपका 8 अंक का है, जिसमें 4 4 अंक के 2 प्रश्न हैं। कुल योग है आपका 80 अंक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 32, 2 अंकों के प्रश्नों की संख्या जो आने हैं आपके 2 अंक के 20 अंक के आएंगे, 3 अंक के जो क्वेश्चन आना है वह 12 अंक के रहेंगे, 4 अंक के जो प्रश्न आना है वह 16 अंक के रहेंगे, 5 अंक का कोई भी प्रश्न नहीं निकलना है। 2 अंक की आपकी जो शब्द सीमा रखनी है वह 30 शब्द, 3 अंक के प्रश्न के लिए शब्द सीमा 75 शब्द, 4 अंक के प्रश्न के लिए शब्द सीमा 120 शब्द, 5 अंक के प्रश्न के लिए शब्द सीमा 150 शब्द। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।